Let us start a beautiful day with wonderful day. Come on, students. Let us start lesson 11. Safety is important. I will cross the road when the light is red. When we have to cross the road? We have to cross the road when the light is red. We can get hurt in different ways. हम लोगों को अलग अलग तरीके से हर्ट हो सकता है. सेफ्टी मीन्स टू अवॉइड बीइंग हर्ट. सेफ्टी माने क्या होता है? जो हर्ट होने से बचना है, सेफ्टी होता है. वी कैन अवॉइड बीइंग हर्ट ओनली इफ वी आर केयरफुल. कब हम लोगों को हर्ट होने से बच सकते हैं हम लोग? जब हम लोग सेफ रहने से हर्ट होने से बच सकते हैं. The teacher told Minty in class to find out how he can be safe. Minty को teacher बोलती है, find out करो हम लोग safe कैसे रह सकते हैं. Minty decided to ask the helpers in the neighborhood. Minty decide करता है helpers से पूछने के लिए. The helper told him the safety rules. Helper बता देता है कैसे हम लोग safe रह सकते हैं. Safety on the road. Point number one, walk on the footpath. हमको कहाँ पर चलना चाहिए? Footpath पे. While crossing a road, look to the right, left and right again and then go across. हम लोगों road cross करते वक्त कैसा cross करना चाहिए? अपने right, left, फिर से right देख के road cross करना चाहिए. Use the zebra crossing subway or foot over bridge to cross a road. Zebra crossing करना चाहिए और foot over bridge to cross a road. Point 4. Obey the traffic signal. Red means stop, yellow means wait, green means go. Traffic lights, traffic signal follow करना चाहिए. Red means stop, yellow means wait, green means go. Come on, students. Let us study about safety in the bus. Stand in a queue at the bus stop. Bus stop में हम लोग कैसे रहना है? Crowd पे? नहीं, crowd से नहीं रहना है. Bus के लिए हम लोग queue में रह के bus में चढ़ना चाहिए. Do not push or pull to get into the bus. जब bus आ गई तब हम लोग आपस में पुश करना, पुल करना, ये आपस में नहीं करना चाहिए ताकि कोई भी इसमें गिर सकता है, चोट लग सकती है. सो हम लोगों ने स्टैंड इन अ क्यू, लाइन्स में क्यू में रह के हम लोग आपस में चुपचाप से, ताकि धक्का मुक्का ना कर नहीं करके आराम से बस में चढ़ना चाहिए. नंबर 3. नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द मूविंग बस. कभी भी जब ट्रैवल करते वक्त, चाहे गाड़ी कार में या बस में, कभी भी अपना हेड या हैंड बस से बाहर नहीं डालना चाहिए. नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द मूविंग बस. नंबर 4. डू नॉट टॉक लाउडली इनसाइड द बस. बस में किसी आदत है जोर जोर से बोलना, चाहे मोबाइल में या आपस में जोर से. फर्स्ट सीट में बैठा है तो लास्ट सीट वाले से बात करना नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए. ताकि ऐसे करने से क्या? नेक्स्ट, सेफ्टी इन द पार्क. डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. जब जिससे जान पहचान नहीं है उन लोगों से हम लोगों को बात नहीं करना चाहिए. नंबर 2. नेवर प्ले विथ स्ट्रे एनिमल्स और हिट देम. हम लोग जो जैसे कि पार्क में मिलते हैं जो डॉगी सब, उन लोगों से या कोई अदर एनिमल, उनसे हम लोग फ्रेंडली बिहेव नहीं करना चाहिए और उनको पत्थर वत्थर मारना नहीं चाहिए. डू नॉट डू डबल्स ऑन स्विंग्स और एंड सीसॉस. हम लोग को स्विंग में डबल करके नहीं खेलना चाहिए ताकि बाई चांस गिर भी सकते हैं. और आई विल नॉट टॉक टू एनी स्ट्रेंजर्स. हम लोगों ने ये डिसाइड करना चाहिए, I will not talk to any stranger. जिससे जान पहचान नहीं है उनसे हम लोगों ने कभी भी बात नहीं करना चाहिए. जैसा कि देखो ये
इनको जानते नहीं होंगे, इसलिए इनसे बात नहीं करना कर रहा है। सेफ्टी इन द स्कूल, नेवर डू डबल्स ऑन अ स्विंग। हम लोग कभी भी डबल्स नहीं करना चाहिए स्विंग में बैठ के, क्योंकि कोई भी एक उसमें से गिर सकता है। ठीक है, डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस एंड डेस्क। बेंच के ऊपर हम लोगों ने कभी भी बैठना नहीं, खड़े नहीं होना चाहिए, डेस्क के ऊपर खड़े नहीं होना चाहिए, और कभी एक बेंच से आके बेंच दूसरे बेंच में जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैर फिसल के हम लोग गिर सकते हैं। ठीक है, नंबर थ्री, नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। ये पिक्चर में भी देखो, जो ऊपर नीचे भाग रहा है वो इंसान देखो गिर रहा है, कभी भी हम लोग पैर फिसल के गिर सकते हैं, गिरने से हम लोग चोट लग सकती है। सेफ्टी एट होम, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स एंड सीजर्स, दे कैन कट योर हैंड। हम लोगों को कभी भी शार्प थिंग्स से, जैसा कि नाइफ्स होता है और सीजर से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा हाथ कट हो सकता है, फिंगर कट हो सकता है ना। पॉइंट टू, डू नॉट प्ले विथ वायर्स एंड स्विचेस, यू कैन गेट एंड इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी हम लोगों को वायर्स एंड स्विचेस बोर्ड में खेलना नहीं चाहिए, और टच भी नहीं करने को जाना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी बाई चांस हम लोग छूने से हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नंबर थ्री, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स। गीले हाथ से हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को छूना नहीं चाहिए, ताकि स्विच जैसा गीले हाथ धोया और जाके छूना, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि करंट लग सकता है। डू नॉट ओपन द डोर ऑफ द हाउस अ स्ट्रेंजर। जो जान पहचान नहीं होता है उन लोगों के लिए हम लोगों ने कभी भी दरवाज़ा ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, पुट अवे क्लोथ्स शूज एंड बुक्स इन राइट प्लेस। अपने कपड़े, शूज या बुक्स उनके। चैप्टर 11, सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज, ट्रू और फॉल्स। इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं तो हम लोग सेफ रह सकते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट में कह रहा है। तो ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू है। सो इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यू विल राइट डाउन हियर ट्रू। नेक्स्ट नंबर टू इज, वी शुड जंप एंड रन ऑन द डेस्क एंड चेयर इन द क्लास रूम, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, वी शुड टच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स। इस स्टेटमेंट में कह रहा है हम लोग इलेक्ट्रिक वायर गीले हाथ से छूना चाहिए, गीले हाथ से छूने से क्या होगा, हमको शॉक लग जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट में कह रहा है हम लोग क्लास में ऊपर बेंच के ऊपर जंप करना चाहिए, रन करना चाहिए, तो सही है ये नहीं, ये गलत है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स। ओके, वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, हम लोग जिससे जान पहचान नहीं उनसे बात नहीं। चैप्टर 11, सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू फॉलो इन द पार्क। राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू फॉलो इन द पार्क। जो अगर हम लोगों ने पार्क में सेफ रहना है तो हम लोग सेफ्टी रूल्स यूज करना है, वो कौन से हैं। एनी 2 कह रहे हैं, एनी 2 आपको लर्न करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न। ठीक है, ये पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इज, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। जो जान पहचान नहीं है उन लोगों से हम लोगों ने बात कभी भी नहीं करना चाहिए। डी ओ डू एन ओ टी नॉट टी ए एल के टॉक टी ओ टू एस टी आर ए एन जी ई आर एस स्ट्रेंजर्स एस टी आर ए एन जी ई आर एस स्ट्रेंजर्स डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स नेवर प्ले विथ स्ट्रे एनिमल्स। जो स्ट्रीट
एनिमल से हम लोगों ने कभी भी खेलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको जान पहचान हमारी नहीं होती है, हम लोगों को उनकी जान पहचान नहीं, वो हमारे साथ हमारी जान पहचान नहीं होती है, इसलिए वो काट भी सकते हैं। सो डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, नेवर प्ले विथ स्ट्रे एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ कैन वी बी सेफ ऑन द रोड। हाउ कैन वी बी सेफ ऑन द रोड, सेफ ऑन द रोड, रोड पे कैसे सेफ रह सकते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, ओबे द ट्रैफिक सिग्नल। आप लोग रोड पे चल रहे हो, ठीक है, तो आप लोग अगर रोड पे चलते वक्त कहाँ से चलोगे तो आप सेफ रह सकते हो, फुटपाथ से, वॉक ऑन द फुटपाथ, क्योंकि रोड पे क्या जाते हैं, व्हीकल्स जाते हैं, रोड पे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग फुटपाथ पे चलोगे सेफ रह सकते हो, और फुटपाथ पे ही चलना है। ओबे द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल भी हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इज अगेन आई विल रिपीट, हाउ कैन वी बी सेफ ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ, ओबे द ट्रैफिक सिग्नल, अगेन वॉक ऑन द फुटपाथ, ओबे द ट्रैफिक सिग्नल। सिग्नल स्पेलिंग एस आई जी एन ए एल, सिग्नल, ओके। फुटपाथ स्पेलिंग एफ डबल ओ टी पी ए टी एच, फुटपाथ। वॉक ऑन द फुटपाथ, ओबे द ट्रैफिक सिग्नल। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ कैन वी बी सेफ इन द स्कूल। हम लोग स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हैं। नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, नेवर डू डबल्स ऑन अ स्विंग, डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस एंड डेस्क। स्कूल में सेफ रहना चाहिए, रहना है आपको तो कैसे रह सकते हो, नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, कभी भी स्टेयर केस में ऊपर भागना, नीचे भागना, अरे कोई टीचर नहीं देख रहा है, अरे कोई फ्रेंड्स नहीं देख रहे, तब कोई कोई बच्चे करते हैं, 10 बार ऊपर जाएंगे, 10 बार नीचे आ जाएंगे, पैर फिसल के गिर सकते हो। सो इसलिए कहते हैं नेवर रन, भागना अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए द स्टेयर्स, नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, नेवर डू डबल्स ऑन अ स्विंग, कभी भी जो स्विंग में खेलते वक्त डबल्स नहीं करना चाहिए, कभी कभी हम लोग गिर भी सकते हैं, वो हम मैंने नीचे पिक्चर दे दिया, देखो उसमें 2 जन बैठे बाई चांस टूट गए तो नीचे गिर जाएंगे। सो डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस एंड डेस्क, इसमें भी पिक्चर दिखा दिए, देख लो उसको सही से, डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस एंड डेस्क, कभी भी क्लास में मैम नहीं आ करके ऊपर नीचे भागते हैं कोई कोई बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, नेवर डू डबल्स ऑन अ स्विंग, डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस एंड डेस्क, एनी टू यू। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट फोर थिंग्स दैट वी शुड नॉट प्ले विथ टू बी सेफ एट होम। अगर घर में सेफ रहना है तो हम लोग क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनो। डू नॉट ओपन द डोर ऑफ द हाउस टू अ स्ट्रेंजर, कभी जो अनजान आदमी के लिए कभी भी डोर ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है, माने आप जानते ही नहीं हो इंसान को तो डोर ओपन नहीं करना चाहिए। उसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, डू नॉट ओपन, डू नॉट माने कभी भी नहीं करना चाहिए, ओपन द डोर ऑफ द हाउस टू अ स्ट्रेंजर। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स, कभी भी हम लोग गीले हाथ से वायर को टच नहीं करना चाहिए, अगर टच किया तो शॉक लग सकता है। डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स एंड सीजर्स, कभी भी शार्प थिंग्स से हम लोगों ने खेलना नहीं चाहिए, जैसा कि चूरी और सीजर ये सारे, ठीक है, नाइफ्स एंड सीजर्स। डू नॉट प्ले विद वायर्स एंड स्विचेस, कभी भी हम लोगों ने वायर से स्विचेस से उंगली डालना ये सब काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से एक बार पढ़ूंगी, ध्यान से देख लो। Do not open the door of the house a stranger. Do not. Question number 5. How can we be safe in the bus? हम लोग बस में कैसे सेफ रह सकते हैं?
स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। बस में हम लोग बस में जाना है तो उसके पहले हम लोग बस स्टैंड में खड़े होंगे, तो कैसे खड़े होंगे? क्यू में, ठीक है। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द मूविंग बस। वो पिक्चर में देखो, मैंने सही से करवा दिया, उसको देखेगा तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वन मोर टाइम, हाउ कैन वी बी सेफ इन द बस? आंसर इज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द मूविंग बस। वन मोर टाइम, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द मूविंग बस। ओके, अंडरस्टूड? क्यू स्पेलिंग Q-U-E-V-E, क्यू, ओके, क्यू यू क्यू यू ई यू ई क्यू। नेवर पुट योर हैंड और एट आउट ऑफ द मूवी।